नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निर्धना में कल दबिश के दौरान पुलिस को देखकर बेहोश होने का ड्रामा कर फरार हुए जनपद के टॉप 10 व हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने 20 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ दबिश देकर धर दबोचा। आपको बता दें कि चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निर्धना में पुलिस जनपद के टॉप 10 व हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार करने गई थी। इसी दौरान गिरफ्तारी का परिजनों के द्वारा विरोध किया गया और परिजनों के विरोध के चलते फायदा उठाकर बदमाश बेहोश होने का ड्रामा कर फरार हो गया। फरार बदमाश की गिरफ्तारी हेतु सीओ सदर के निर्देशन में चरथावल थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा ने कई टीमों का गठन किया था। चरथावल थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में चौकी प्रभारी संदीप कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने 20 घंटे के भीतर ही फरार हुए बदमाश को धर दबोचा। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम आजाद पुत्र सुलेमान निवासी गांव निर्धना थाना चरथावल बताया है। चरथावल थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि पकड़े गए बदमाश पर दर्जनों से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पकड़ा गया बदमाश जानलेवा हमले के मुकदमे में वांछित चल रहा था। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में सभी त्योहारों को थाना प्रभारी व उनके स्टाफ के द्वारा सकुशल संपन्न कराने पर चरथावल नगर पंचायत चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी के नेतृत्व में गणमान्य लोगों के द्वारा थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया तथा उनके कार्यों की सराहना की गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में समस्त चौकी प्रभारियों व स्टाफ के द्वारा नगर में दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, दशहरा, नवरात्र आदि त्योहारों को थाना क्षेत्र में सकुशल संपन्न कराने पर चरथावल नगर पंचायत चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी के नेतृत्व में व्यापारियों व गणमान्य लोगों के द्वारा थाने पर पहुंचकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और उनके कार्यों की जमकर सराहना की गई। थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा द्वारा भी लोगों से अपील की गई कि आगामी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में जनता सहयोग दे। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रशांत त्यागी, मिथुन, सिंपल त्यागी, जमशेद प्रधान आदि मौजूद रहे।